सनिवास ने है जी। आज हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें सारा कवरअप करेंगे। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है इट्स नेवर, इंडिया एंड इट्स नेवर। तो नेवर की बात करते हैं, मैप से देखते हैं, सारा कुछ क्लियर करते चलते हैं। वो कंट्रीज़ देखेंगे जिनका बॉर्डर हमारे इंडिया से टच करता है। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, वेस्ट से पाकिस्तान, छोटा सा यहाँ पर बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। ये वो कंट्रीज़ हो गए जिनका बॉर्डर हमसे टच करता है। कंट्रीज़ काउंट करते हैं, 1 पाकिस्तान, 2 अफ़गानिस्तान, 3 चाइना, 4th नेपाल, 5th भूटान, 6th म्यांमार, 7th बांग्लादेश, 7 नेबरिंग कंट्रीज़। और पास में एक छोटा सा कंट्री और देखिए, श्रीलंका, ठीक है। अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो वो है बांग्लादेश। क्यों? पूरा का पूरा बांग्लादेश, ये देखिए कितने कट्स हैं, हर कट ये इंडिया के अंदर है, तो इंडिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसलिए सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है। नंबर 2 पे चाइना, देन पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान, एंड लास्ट वन इज़ अफगानिस्तान, ठीक है। तो सिक्वेंस के बेसिस पर हो गया। चले अब देखते हैं श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बेटा देखिए यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और ये जो ये ज़रा सा अलग करने वाली बॉडी है, यानी इंडिया को श्रीलंका से जो अलग कर रही है, वो है पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट, STRAIT। तो पाक स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट उस चैनल को बोलते हैं जो दो लैंड मासेस को एक दूसरे से अलग करे, तो पाक स्ट्रेट हो गया। फिर इसके साथ मालदीव आइलैंड देखेंगे, तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में है। यहाँ पर अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड्स के नीचे जाएंगे तो मालदीव आइलैंड्स मिलेगा साउथ में, ठीक है। अब पेनिनसुला क्या होता है? तो देखिए पेनिनसुला इस रीज़न को बोलेंगे पेनिनसुला रीज़न, यानी ऐसा लैंड मास जो थ्री साइड से ओशन से कवरअप हो, वाटर बॉडीज से कवर्ड हो और एक तरफ उसके लैंड हो, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है। यानी थ्री तरफ देखिए, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, थ्री साइड से क्या हो गया? ओशन हो गया और एक साइड से पूरा लैंड मास है। इस तरीके की बॉडी को बोलते हैं हम पेनिनसुला। चलिए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स और समझ लेते हैं। हमारी इंडिया का पहले सबसे साउदेस्ट पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नीचे, यहाँ पर 6 degrees and 4 minutes, ठीक है। यहाँ मैं शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 6 degrees and 4 minutes पे ही था, इंदिरा पॉइंट नाम था उसका। 2004 में सुनामी आई, इसकी वजह से ये डूब गया और अभी समुद्र के नीचे है, ओशन के अंदर है। इसी तरीके से हम एक पढ़ेंगे कि जब यूरोप से कोई हमारे इंडिया आता था तो कैसे आता था, पहले आता था घूमता हुआ, वहाँ से निकलता था यूरोप से, पूरा अफ्रीका घूमते हुए, अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप तक आता था, फिर घूमता हुआ फिर हमारे इंडिया आता था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1869 में स्वेज कनाल बनाई गई, यानी यूरोपियन लोग अब मेडिटेरियन सी से होते हुए स्वेज कनाल में आते हैं, देन वहाँ से हमारे गल्फ में आते हैं और उसके बाद अरेबियन सी और फिर इंडिया पे आते हैं। तो इस रास्ते के थ्रू यूरोपियंस ने 7000 किलोमीटर का रास्ता कम कर लिया, यानी पहले जितने लंबे रास्ते से आते थे अब उससे 7000 किलोमीटर कम लंबे रास्ते से आते हैं। अगर हम बात करें 1947 से पहले इंडिया की, तो इंडिया में दो तरीके के स्टेट्स हुआ करते थे, एक हुआ करते थे प्रोविंसेस और दूसरे हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट। तो प्रोविंसेस उन स्टेट को बोला जाता था जहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे, यानी ब्रिटिशियंस के वाइसरॉय वगैरह वहाँ पर रूल करेंगे, वो प्रोविंसेस कहलाते थे। और प्रिंसली स्टेट वो कहलाते थे जहाँ पर हेरिडिटरी रूल हो, यानी पहले पिता राजा होगा, पिता के बाद उसका बेटा राजा होगा, उसके बाद उसका बेटा राजा होगा, इस तरीके के स्टेट जहाँ पर ऑटोनॉमी थी उन्हें बोलते थे प्रिंसली स्टेट। तो ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ आपको जिस भी चैप्टर की 9th 10th क्लास के जिस भी चैप्टर की आपको SST में वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, मैं आपको उस चैप्टर की रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा। और अब हम इसी के फर्स्ट चैप्टर की रिमेनिंग वीडियोस कंप्लीट करेंगे कल से। चलिए, थैंक यू।